हेलो नमस्कार, मैं अपना सैनी रिपोर्टिंग फॉर एबीपी न्यूज़। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल करी। शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे नॉट आउट लौटे और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर सिमट गई। इस तरह से भारत को जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य मिला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमर ग्रीन ने सबसे ज़्यादा 45 रनों का योगदान दिया, जबकि मैथ्यू वेड ने 40 रन बनाए। भारत की ओर से सीरीज में सिराज ने 3, बुमराह ने और अश्विन और जडेजा ने 2-2 विकेट, जबकि उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर समेट दिया था। इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी में रहाणे हैं नए कप्तान, उन्होंने 112 के शतक और रविंद्र जडेजा ने 57 के अर्धशतक की बदौलत 326 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त बनाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 200 रनों पर ढेर कर 8 विकेट से चौथे दिन ही मैच जीत लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 7 से 11 जनवरी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या मेलबर्न में खेला जाएगा। उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। उस पर हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान का इंतज़ार है, जिसमें स्पष्ट होगा कि कहां खेला जाएगा 7 जनवरी को होने वाला ये 3rd टेस्ट मैच। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर करारा जवाब दिया है एडले में हुई पहले टेस्ट की हार का। इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। दे वर एबल टू लिमिट ऑस्ट्रेलियाज बैट्समैन एबिलिटी टू स्कोर रन्स एंड वेल एग्जीक्यूटेड बोलिंग स्पेल्स, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में बुमराह ने 4 विकेट लिए 56 रन देते हुए, और अश्विन की बोलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखी, उन्होंने 3 विकेट लिए सिर्फ 35 रन देते हुए इन 24 ओवर्स। फर्स्ट इनिंग्स में इंडियन बैटिंग लाइन थोड़ी हिलती हुई नज़र आई, जबकि विकेट्स सेकेंड डे के शुरुआत में ही गिरते जब विकेट्स गिरने शुरू हुए सेकेंड डे की शुरुआत में, बट हैव टू से दे स्टिल बैटेड वेरी वेल अंडर द सर्कमस्टांसिस, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहाणे का। उन्होंने कैप्टनसी करते हुए अपना 12th सेंचुरी बनाई और जडेजा के साथ पार्टनरशिप वॉज स्पेक्टेकुलर। दैट मोमेंट जब रहाणे आउट हुए थे और वो क्रीज छोड़कर जा रहे थे ऑन डे 3, तब उन्होंने जडेजा की पीठ थपथपाकर हुए कहा एंड आस्क हिम टू कैरी ऑन। दैट वाज द मोमेंट। और 3rd टेस्ट शुरू होगा इन 9 डेज, उसमें ज़रूर कहा जा सकता है रहाणे और जडेजा का डुओ देखने के लिए सब उतने ही एक्साइटेड होंगे दैट टीम ऑस्ट्रेलिया वुडन बी एक्साइटेड। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस रहे इस बार इंडियन टीम में, जो कि डेफिनेटली बहुत जिसका योगदान साबित हुआ और इफेक्टिव साबित हुए इन इंडियाज विन इन दिस टेस्ट मैच। गिल वॉज रिप्लेस फॉर शॉ, और शॉ ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी थी, थोड़ी उनकी मिसफील्डिंग रही पिछले मैच में, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हुए। और जो डेब्यूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, उन्होंने 45 रन बनाया ऑफ 65 बॉल्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। सेकेंड डेब्यूडेंट जो रहे थे हम जिनकी पहला मैच खेला गया, वो रहे सिराज, जो कि शामी के इंजर्ड होने की वजह से आए, और उन्होंने भी उम्दा गेंदबाजी करते हुए उनका बहुत बड़ा योगदान है आज इंडिया की इस टेस्ट मैच में जीत का। एंड नॉट टू फॉरगेट ऑलराउंडर परफॉर्मर जडेजा, ही जॉइन द टीम आफ्टर अपनी रिकवरी करते हुए व्हेन ही वाज इंजर्ड, एंड ऑब्वियसली दैट हैज़ हेल्प सिग्निफिकली। विराट कोहली की कमी को पूरा करते हुए उन्होंने काफ़ी एक उम्दा और एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, और उन्होंने बहुत अच्छे से वो दिखाया टीम ऑस्ट्रेलिया और प्रूव किया कि वो कितना हेल्प कर सकते हैं। इस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
वेल उसी के साथ हम आपको बता दें कि कुछ 19 सेशंस खेले गए थे, इंडिया ने उसमें 11 या 12 सेशंस जीते हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है दैट एडले में खेली गई लास्ट इनिंग्स वो सर्टनली वॉज एन ऑफ डे जो इंडियन टीम के लिए रहा है। पर ये दोनों ही टीम बेहतरीन मानी जाती है इन टेस्ट सीरीज़। कौन जीतेगा अगला टेस्ट मैच ये कहना मुश्किल है, पर कहावत तो सुनी होगी कैचेस विन मैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस बार उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को देखते हुए। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंडिया डेफिनेटली प्लेड वेरी वेल। तो देखते रहें ABP News। दिस इज़ अपना सैनी रिपोर्टिंग फॉर ABP News। आपको रखे आगे।